जय जगन्नाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सबको सीमाज किचन हिंदी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए नवरात्रि स्पेशल या समर स्पेशल एक शरबत का रेसिपी लेके आई हूँ। साबूदाना का शरबत जिसमें बहुत सारे नट्स और फ्रूट्स डाला गया है। चलिए जानते हैं ये कैसे बनाए हैं और क्या क्या लिए हैं इसमें। साबूदाना पन्ना बनाने के लिए या शरबत बनाने के लिए साबूदाना लिए है एक कप, जिसको 7 से 8 घंटे के लिए भिगो लिए है। ये बड़ा वाला दाना लिए है और ये भीग के एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब उसमें ये सारे सामान को डालेंगे, ये भी डालेंगे। ये मिश्री है या खांड है, आप इसको साबूदाना को भिगोए समय इसको डाल दीजिए, जिससे कि आपको मिठास आएगा। काजू, किशमिश, अनार, केला, अंगूर, इलायची और काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा नारियल और दही लिए हैं। ये घिसा हुआ ताज़ा नारियल लिए हैं। पहले एक बाउल लेंगे, अब उसमें दही को ऐड कर देंगे। ये 2 जन के लिए बना रहे हैं, उपवास हो या व्रत वगैरह हो, इसको पीने से या खाने से आपका पेट ठंडा रहेगा, भूख भी नहीं लगेगा, एकदम फ्रेश लगेगा। आप ये नवरात्रि में इसको बना के खाइए घर में सब जने, और कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना ना भूलिए। दही को अच्छे से फेंट लिए, अब उसमें साबूदाना को भी डाल दिए, अच्छे से फेंट लिए। अब उसमें सारे सामान को डाल देंगे, पिसा हुआ नारियल को भी डाल दिए, अंगूर डाल दिए और केला को भी इस तरह से काट के सबको डाल दिए, और थोड़ा थोड़ा बचा ले रहे हैं, लास्ट में हम गार्निश करेंगे। अब उसमें काजू, किशमिश, आप जो चाहे ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हो इसमें। देखिए हमारा शरबत या पना बन के तैयार हो गया है, कितना जल्दी से। अब उसको एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे, एक ग्लास में यहाँ मैं सर्व कर दे रही हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है पीने में, आप एक बार इसी तरह से बना के पीजिए और अपना अनुभव हमें कमेंट करके बताना मत भूलिए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले मिल सकेगा। एक ग्लास में हम सर्व कर दिए, ऊपर से थोड़ा जो फ्रूट और ड्राई फ्रूट वगैरह है उसको सजा ले रहे हैं। सर्व हो गया साबूदाना पन्ना या शरबत। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए।